श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम सायंकाल दिनांक 7 मई 1940 को दिया गया। प्रवचन संख्या 8। विषय: झूठ कपट का व्यापार, नरक देने वाला, और सत्य पूर्वक व्यापार कल्याण करने वाला है। झूठ कपट जिस व्यापार में होता है वह नरक को देने वाला है। तोल में नाप में कम देना तथा लेने के समय तोल नाप में अधिक लेना भी नरक ले जाने वाला है, और अच्छी चीज में खराब चीज मिला देना, जैसे घी में चर्बी मिला देना, अच्छे आटे में खराब आटा मिला देना, जिससे बीमारी फैलती है, यह व्यापार नरक का देने वाला है। परंतु जो सत्य पूर्वक व्यापार है यह कल्याण करने वाला है। नफा दलाली आदि ठहरा कर किसी को कम ज्यादा नहीं देना। जो सकाम भाव से करता है उसे स्वर्ग देने वाला है, और निष्काम भाव से करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कोई खेती का काम करे निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए करे, वह कर्मयोग है। इसी प्रकार शिल्प वगैरह की कला सिखा कर बेकार लोगों को आजीविका के योग्य बना देना, ऐसा व्यापार मुक्ति प्रद है। सत्य न्याय प्रद व्यापार करें। सारा ही व्यवहार जो स्वार्थ रहित, आसक्ति रहित और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं। महाभारत में आया है, समुद्र के किनारे जाजली नाम के ऋषि ने ऐसी तपस्या की कि सुनकर रोमांच हो जाता है। चिड़ियों ने उनके मस्तक पर घोंसला डाल दिया। जब उन्हें मालूम हुआ तो वे वैसे ही बैठे रहे, यहाँ तक कि अंडे दे दिए। चिड़ियों का जोड़ा उड़ गया और छोटे बच्चे रह गए। फिर वे भी चले गए और एक महीने तक वे नहीं आए तो फिर घोंसला फेंक दिया। पर अभिमान हो गया, इतना भी बहुत है, हम तो घर के कोने में भी घोंसला नहीं रखने देते। जाजली ऋषि को अभिमान होने पर आकाशवाणी हुई कि जैसी तपस्या तुलाधार वैश्य करता है वैसी तू क्या करेगा। तुलाधार वैश्य के पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह तो क्रय विक्रय करने वाला बनिया है, और वहां से जाने लगा। तब तुलाधार ने कहा कि आप जाते कैसे हैं, आपको मुझसे मिलने के लिए आकाशवाणी हुई। उसने कहा तुमको कैसे मालूम हुआ। उसने कहा कि तुम नहीं देखते मेरा कर्म, मैं किसी के साथ भेद बुद्धि नहीं करता और सत्य व्यापार करता हूँ। इतने में वह पक्षी आ गए तो उन वैश्य ने कहा कि ये वही पक्षी हैं जो तुम्हारे सिर में घोंसला डाले थे। वे पक्षी जाजली ऋषि के सिर पर बैठ गए। यह बात भी उसने कह दी थी तो उसे वैश्य पर श्रद्धा हो गई। अभिप्राय यह है कि हमें न्याय का पैसा पैदा करना चाहिए। वह पैसा किसी को देंगे तो वैसा ही उस पर असर पड़ेगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन,
महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में शरशैया पर लेटे भीष्म जी के उपदेश देते समय द्रौपदी हंस दी। भीष्म जी कह रहे थे कि जिस सभा में अन्याय होता हो तो उसका विरोध करना चाहिए या उठकर चले जाना चाहिए। यह बात सुनने से द्रौपदी के हंसने पर भीष्म ने कहा कि मैं तुम्हारे हंसने का कारण जानता हूँ। मैंने उस समय कौरवों की सभा में दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इससे सबको ध्यान रखना चाहिए, अन्न के स्थूल अंश से शरीर, उसके सूक्ष्म से हड्डी और मन आदि बनते हैं और वैसी ही बुद्धि हो जाती है। श्वेत केतु उद्दालक की बात है, उसे समझाने के लिए श्वेत केतु को 15 दिन का उपवास करवाया, तब पूछा तो वेद भूल गया। फिर भोजन करने के बाद उसको कहा कि वेद पढ़ो, तब उसे समृद्धि हो गई। ऐसा करके दिखला दिया कि भोजन से तुरंत ही तेज आ गया और समृद्धि हो गई। भगवान ने बतलाया है कि सात्विक अन्न खाने से सात्विक बुद्धि होती है और राजसी से राजसी तथा तामसी से तामसी बुद्धि हो जाती है। अन्न स्वरूप से सात्विक हो और न्याय से कमाना क्रिया से सात्विक है। एवं साधु ब्राह्मण को जो प्रेम से दिया जाता है वह भी सात्विक होता है। जो पाप पूर्वक कर्म से कमाकर और दुख पूर्वक दिया जाता है उसे दाता और लेने वाला दोनों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में आया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अर्थात खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये तीनों न्याय से हों तो स्वर्ग देने वाले और निष्काम भाव से किए जाएं तो मुक्ति देते हैं। गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। गीता के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में आया है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। अर्थात जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। ऐसा करने वाला नित्य अमृत में रहता है। यज्ञ से बचा हुआ अन्न ही अमृत है। हर काम में निष्काम भाव ही अमृत है। वह कर्म में प्रवृत्त हुआ भी
नहीं करता है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर फल और आसक्ति का त्याग करके काम करना चाहिए, अथवा भगवान जैसे करावे वैसे करे, उसमें भूल भी नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा स्वयं लिखे तो गलती होती है, पर बच्चे का हाथ गुरु पकड़ कर लिखवावे तो गलती नहीं होती। अर्जुन ने गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान से पूछा कि मनुष्य के न चाहते हुए पाप का आचरण कौन कराता है। तब भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम्। अर्थात इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह ही महाअश्न अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह काम बड़ा ही पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान, हमें न्याय और सत्यता पूर्वक व्यापार कर्म करना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय के 51 श्लोक में आया है, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने अपने कर्मों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आया है, स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। अर्थात उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इन सब बातों में भगवान ने निष्काम भाव पर बहुत जोर दिया है। गीता के 18वें अध्याय के 57 श्लोक में आया है, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भवः। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे में परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित वाला हो। गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक में आया है, मचित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। अर्थात इस प्रकार तुम मेरे में निरंतर मन वाला हुआ, मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में आया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम्। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, इससे क्या होगा। गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में आया है, शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षस्य कर्म बंधनाय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेश्यसि। अर्थात इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। भगवान कहते हैं, मेरे को स्मरण करते हुए ही युद्ध कर, माम नुस्मर युद्ध्यच। मन से भगवान के स्वरूप का स्मरण, वाणी से भगवान का नाम जप और शरीर से सबकी सेवा करने वाला भगवान को प्राप्त हो जाता है। मिट्टी डालने वाला यदि स्वार्थ त्याग कर सेवा करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, पर यदि कोई लौकिक कामना रखकर भगवान का ध्यान करता है, वह भी स्वार्थ त्याग पूर्वक मिट्टी डालने वाले कर्म से नीचा है। शास्त्र में बतलाया है कि जो मनुष्य कर्म में स्वार्थ का त्याग करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो स्वार्थ का त्याग करता है उसको सभी ठीक समझते हैं और उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। माता बहनों के काम की बातें, आजकल बहुत खर्च और कुरीतियां बढ़ गई हैं, उनका नाश करना चाहिए। पहले अपना, फिर घर का और बाद में मोहल्ले का और देश का सुधार करना चाहिए। द्रौपदी जहाँ रहती थी उस देश में अकाल आदि मिट जाते थे। अज्ञातवास में दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों को खोजने में निराश हो गए। तब भीष्म जी ने बताया कि जहाँ पांडव होंगे उस देश में महामारी, चोरी, बीमारी, भूकंप आदि नहीं होंगे। तब गुप्तचरों ने कहा, यह सब विराट नगर में है। इससे यह अभिप्राय लेना चाहिए कि जहां पांडव लोग रहेंगे वहां दैवी प्रकोप नहीं होगा। ऐसे ही काक भुशुंडी जी के आश्रम में भी चार चार योजन तक बुरे विचार माया नहीं आ सकती है। एक अच्छी स्त्री का भी इतना प्रभाव पड़ता है कि दूसरी स्त्रियां भी उसे देखकर बहुत सुधर जाती हैं। आजकल की स्त्रियां अपने धन को आभूषण और ऐश आराम में लगा देती हैं। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपना धन अपने पर कम खर्च करके सत्कार्यों में खर्च करना चाहिए। साधु महात्मा जैसे अपने पर कम खर्च करते हैं, वैसे ही अपने पर कम खर्च करने वाला साधु सरीखा ही है। इसी तरह गृहस्थ को कम खर्च करके उन रुपयों को बचाकर दूसरों की सेवा में खर्च करना चाहिए। जैसे 13 रुपये वाली चादर नहीं लेकर 1 रुपये वाली चादर से भी काम चल सकता है, तो 1 रुपये वाली चादर लाकर बाकी के रुपयों से जरूरतमंदों को जरूरत की वस्तु बांट देनी चाहिए। ओढ़नी, साड़ी रेशम की पहने,
तो क्या, और खादी सूती की पहने तो क्या, नाना प्रकार के व्यंजन खाए तो क्या, और रूखा यानी सादा भोजन खाए तो क्या, सब मल बन जाता है। कोई कोई स्त्रियां अपने साथ 30 से 40 पोशाक साड़ियां रखती हैं, वह मर जाती है तो पोशाक साथ नहीं जाती। जब तक देह में प्राण है तब तक सब भगवत विषयक काम कर लेना चाहिए, नहीं तो राम नाम सत्य होने पर कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 43 में आया है, सो परत्र दुख पावई से धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अर्थात वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। काल को दोष लगाना यह है कि कलयुग और भाग्य को, यह कि भगवान ने ऐसा ही मेरे भाग्य में लिखा है। माता बहनों का उद्धार तो इसलिए शीघ्र हो जाता है कि उसका आधा पाप पति को चला जाता है और पति का पुण्य भी वह आधा ले लेती है। पति का पाप पत्नी को नहीं लगता और पत्नी पतिव्रता हुई तो पति को भी परम गति करवा देती है।